बैटमैन की लाइव एक्शन मूवीज को देखते हुए बहुत लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि बैटमैन की मूवीज काफी डार्क होती हैं, यानी कि इनका थीम, इनका टोन एक डार्क टाइप का होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इंट्रो कर लेते हैं एक बार। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है करण एंड वेलकम टू के स्मैश। तो यहाँ फर्स्ट और काफी इम्पोर्टेंट रीजन है बैटमैन की हिस्ट्री। अब हमें ये बात पता ही है जो कि हर मूवी में बैटमैन की सेम ही रहती है कि बचपन में ही ब्रूस वेन के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ही ब्रूस वेन की बैटमैन बनने की जर्नी स्टार्ट हुई। तो अब यह मुद्दे की बात यह है कि ब्रूस ने अपनी लाइफ में सबसे बुरा टाइम अपने बचपन में ही देख लिया था, और ब्रूस के माता पिता के जाने के बाद ब्रूस वेन अकेला हो गया था और उसकी लाइफ काफी खराब हो गई थी। लेकिन बाद में चल के ब्रूस की लाइफ सही हो जाती है जब वो जस्टिस लीग की टीम बना लेता है, या फिर कैट वूमन उसकी जब लाइफ में आती है। पर फिर भी ब्रूस को अपने माता पिता के चले जाने का दुख तो था ही, और ब्रूस अपने आप को काफी अकेला फील करता था। ब्रूस ने कभी अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताया ही नहीं, और बड़े होने के बाद भी वो बैटमैन बन गया, उसने काफी टाइम तक शादी भी नहीं की, तो उसे कैसे पता होगा कि फैमिली के साथ अच्छा वक्त कैसा होता है, यानी कि फन एलिमेंट्स, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें उसने कभी अपनी फैमिली के साथ फील ही नहीं करी। अब जो इंसान बिना माता पिता की गाइडेंस के बड़ा हुआ है उसकी लाइफ तो थोड़ी डार्क होगी, और उसने काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग करी बैटमैन बनने के लिए, अपने फियर को ख़त्म करा और देखा कि उसकी सिटी यानी कि गौतम शहर में कितना ज़्यादा क्राइम है। और उसके बाद तो आपको स्टोरी पता ही है कि उसने गौतम सिटी से क्राइम ख़त्म करने की एक तरह से कसम ही खा ली और बैटमैन बना। तो ब्रूस की लाइफ में इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी लाइफ काफ़ी डार्क हो गई, और हमें ब्रूस के नज़रिए से ही तो बैटमैन की लाइफ दिखाई जाती है। और यही रीज़न है कि हमें बैटमैन की मूवी थोड़ी डार्क दिखती हैं, क्योंकि बैटमैन की खुद की लाइफ ही डार्क चल रही है। अब ये बात मूवी के क्रिएटर्स को भी पता ही है कि वो अपने कैरेक्टर्स को ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट कैसे करें, इसलिए हमें मूवीज थोड़ी डार्क दिखाई जाती है ताकि ऑडियंस बैटमैन और ब्रूस वेन दोनों के कैरेक्टर से ही ज़्यादा कनेक्ट कर सके, उनके दुख को, उनके हर चीज़ को एक तरह से फील कर सके। और यही एक वैलिड रीज़न है कि हमें बैटमैन की लाइव एक्शन मूवीज डार्क थीम में दिखाई जाती हैं। और यहाँ सेकंड पॉइंट आता है बैटमैन्स फियर, यानी कि बैटमैन का डर, जो कि गौतम सिटी के हर क्रिमिनल में है। और गौतम सिटी के क्रिमिनल सुपरमैन से भी ज्यादा बैटमैन से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुपरमैन अगर उन्हें क्राइम करते हुए पकड़ेगा तो वो उन्हें सिर्फ जेल में डालेगा, लेकिन अगर बैटमैन किसी क्रिमिनल को पकड़ता है तो वो उनसे लड़ता है, और अगर क्राइम ज्यादा खतरनाक हो तो बैटमैन उन्हें मार भी देता है। अब ऐसा अभी तक हमें माइकल कीटन या फिर क्रिस्टन बेल की बैटमैन मूवी में नहीं दिखाया गया, क्योंकि उन मूवीज या फिर उन यूनिवर्स की बात करूं तो उसमें नो किलिंग रूल चलता है, जिसमें बैटमैन किसी भी क्रिमिनल को मारता नहीं है, सिर्फ उनसे लड़ता है या फिर उन्हें धमकाता है या फिर उन्हें जेल में छोड़ देता है। पर कॉमिक बुक्स में ऐसा नहीं है। बैटमैन ईयर वन में भी जब बैटमैन नया नया बैटमैन बनना शुरू हुआ होता है तब भी वो क्रिमिनल से लड़ता है, और अगर क्राइम ज़्यादा खतरनाक हुआ हो या फिर क्रिमिनल भी कुछ ज़्यादा साइको हो तो बैटमैन उन्हें मार भी देता है। और 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में बेन एफ्लिक का बैटमैन भी शायद नो किलिंग रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वेयर हाउस बैटल में उसने एक क्रिमिनल पर नाइफ से अटैक किया था। और इस डर को, इस फियर को गॉथम सिटी के क्रिमिनल्स में दिखाने के लिए ही मूवी में थोड़ा डार्क थीम का यूज किया जाता है, यानी कि मूवी की पूरी टोन को डार्क रखा जाता है ताकि क्रिमिनल्स भी बैटमैन से डरे, और इस पूरे सीन को, इस पूरी मूवी को देख रही ऑडियंस भी कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट कर सके। और यही थर्ड पॉइंट आता है ऑडियंस रिएक्शन, जो कि हर मूवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब 1989 में आई माइकल कीटन की बैटमैन में डार्क थीम का फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आया, और इसी सेम थीम को बैटमैन रिटर्न्स में भी यूज किया गया। अनफॉर्चुनेटली हमें बैटमैन रिटर्न्स का कोई सीक्वल नहीं दिखा, लेकिन बाद में बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन रॉबिन आई, जिसमें भी ऑब्वियसली डार्क थीम और डार्क टोन का अगर आप कहें तो उसमें भी वो फील, वो टच था, और यही थीम ऑडियंस को भी पसंद आ रहा था, इसलिए इस थीम को आगे भी मूवीज के लिए फॉलो किया गया। तो अब यहाँ नॉर्मल तरीके से अगर बात की जाए तो ऑडियंस रिएक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कलेक्शन के लिए, जो कि 1989 में बैटमैन के फर्स्ट पार्ट ने प्रूव किया कि लोगों को डार्क थीम में एक सुपर हीरो अच्छा लग रहा है। तभी तो बैटमैन रिटर्न्स में या फिर बैटमैन की जो और मूवीज आगे आई उसमें भी डार्क थीम का यूज किया गया। और यहाँ माइकल कीटन के बैटमैन की मूवीज के बाद अगर कोई अच्छी बैटमैन की मूवीज आई तो वो थी डार्क नाइट ट्रिलॉजी। और हमें ये बात पता ही है कि बैटमैन बिगिंस में भी डार्क थीम ही यूज की गई थी पूरी मूवी में, जो कि अच्छी लग रही थी। इसीलिए डार्क नाइट मूवी में मैक्सिमम एक्शन सीन्स, अगर मैं बैटमोबाइल के, बैटबोर्ड के या फिर बैटमैन के हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स की बात करूं तो वो रात के टाइम ही शूट किए गए थे। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि बैटमैन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रात में ही निकलता है, इसलिए डार्क नाइट में, या फिर अगर माइकल कीटन के बैटमैन की बात की जाए या फिर बेन एफ्लिक की भी बात की जाए, तो इन तीनों के ही बैटमैन के वर्जन रात को ही ज़्यादातर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए निकलते हैं।
हाँ, इसमें डार्क नाइट राइजेस की बात अलग है क्योंकि उसका पूरा का पूरा स्टोरी प्लॉट ही अलग था, तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं DCEU के बैटमैन की। जैसा कि हमें पता ही है कि DCEU की शुरुआत मैन ऑफ स्टील मूवी के साथ हुई थी, और मैन ऑफ स्टील मूवी की अगर कलर ग्रेडिंग की बात की जाए तो वो काफी लाइट थी, काफी ब्राइट कलर उस मूवी में यूज किए गए थे। और फिर बाद में 2016 में जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई तो उसमें हमें DCEU के बैटमैन से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये बात मूवी के क्रिएटर्स को भी पता ही है कि बैटमैन को ऑडियंस से कैसे ज़्यादा कनेक्ट करवाना है, कि कैसे बैटमैन को स्क्रीन पर देखकर ऑडियंस खुश होती है। इसलिए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी डार्क थीम का ही यूज़ किया गया था। जहाँ इस यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी मैन ऑफ स्टील काफ़ी ब्राइट कलर्स में शूट की गई थी, वहीं इस यूनिवर्स की सेकेंड मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एक डार्क टोन में शूट की गई थी, क्योंकि बैटमैन के सीन्स उस मूवी में ज़्यादा थे और ऑडियंस को एक नए बैटमैन से कनेक्ट भी करवाना काफ़ी ज़रूरी था। तो अब यहाँ इस वीडियो का कंक्लूजन निकलता है कि पब्लिक को भी बैटमैन अंधेरे में ही ज़्यादा पसंद आता है, यानी ऑडियंस को भी पसंद है कि मूवीज़ में डार्क थीम यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर डार्क नाइट ट्रिलॉजी की बात अलग है, क्योंकि डार्क नाइट ट्रिलॉजी की शुरुआत बैटमैन बिगिंस मूवी से हुई थी, और उस मूवी में भी बैटमैन हमें अंधेरे में ही ज़्यादा नज़र आता था, और उस मूवी का थीम को भी डार्क ही रखा गया था। लेकिन बाद में जब बैटमैन का कैरेक्टर डेवलप हुआ और इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाया गया तो धीरे धीरे इस मूवी में भी कलर्स की ग्रेडिंग को चेंज किया गया, और डार्क नाइट राइजेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स को यूज़ किया गया, यानी कि काफ़ी ब्राइट कलर को यूज़ किया गया, और बैटमैन हमें दिन के उजाले में भी नज़र आया। लेकिन बैटमैन की फ्यूचर मूवीज़ को भी डार्क टोन में ही रखा जाएगा, क्योंकि मेन बात तो यही है कि ऑडियंस को बैटमैन डार्क थीम में ही पसंद आता है। और हमने 2021 या फिर 2022 में आने वाली द बैटमैन का टीज़र भी देखा है, जिसमें हमें दिखाई है कि बैटमैन काफ़ी डार्क थीम में नज़र आ रहा है, और उस मूवी की कलर ग्रेडिंग को भी काफ़ी डार्क रखा गया है, जिससे ये बात साबित होती है कि बैटमैन का फ्यूचर भी अभी डार्क टोन में ही रहेगा। सो नाउ आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बैटमैन मूवीज़ को काफ़ी डार्क क्यों रखा जाता है। तो अगर इस वीडियो में देखकर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। बाकी अभी मैं नया हूँ तो अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।